भारत के 5 अनसुलझे रहस्य। दोस्तों, हम इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले, चाहे वो स्पेस साइंस में हो, मेडिकल साइंस में हो या रोबोटिक्स में हो, मगर कुछ सवालों के जवाब हमें आज तक नहीं मिले। इस दुनिया में हमारे इंडिया को रहस्यों की भूमि कहा जाता है। तो चाहे हमारे अद्भुत मंदिर हो, रहस्यमयी लोग हो या रहस्यमयी घटनाएं हो, और जिसका जवाब आज के विज्ञान के पास भी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की ऐसी जगह और ऐसी घटनाओं के बारे में जिनका रहस्य आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। तो आइए देखते हैं। कुलधरा का भूत गांव। भारत के राजस्थान में स्थित जैसलमेर में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा का भूतिया गांव, जो भूतिया गांव नाम से भी मशहूर है। दरअसल कुछ साल पहले वो एक पालीवान ब्राह्मणों का एक समृद्ध शहर था, मगर एक रात अचानक से गांव के लगभग 1500 लोग अपने साजो सामानों के साथ गायब हो गए। इतिहास के अनुसार वो एक क्रूर शासक सलीम सिंह की लूट से बचने के लिए गांव से चले गए, और तो और उन्होंने जाते समय उस गांव को एक श्राप भी दिया, और वो श्राप ये था कि जो कोई भी उस गांव में रहने की कोशिश करेगा उसकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाएगी। उस श्राप के चलते आज तक कुलधरा गांव सूना पड़ा है और वहां कोई नहीं रहता, और वो पिछले 200 साल तक उजड़ पड़ा हुआ है। जुड़वा गांव का रहस्य। भारत के केरल राज्य में मलप्पुरम जिले में कोडिनी नामक एक गांव है, जिसे ट्विंस टाउन भी कहा जाता है। इस गांव में लगभग 2000 घर है, और इस गांव ने 2008 में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, जब पता चला कि पिछले कई दशकों में लगभग 250 जोड़े जुड़वा पैदा हुए थे। यह घटना अपने आप में ही बहुत रहस्यमयी है। इससे भी अजीब बात यह है कि इस गांव के लड़के और लड़कियों ने गांव से बाहर शादी की तो उन्हें ही जुड़वा बच्चे ही पैदा हुए। कुछ शोधकर्ताओं की माने तो इस गांव का खान पान इसकी वजह है, फिर भी वो एक अंदाजा ही है। इसकी ठोस वजह आज तक किसी को नहीं पता, और पिछले 10 सालों में जुड़वा बच्चों की तादाद लगभग 2 गुनी हो गई है, और ये रहस्य आज भी अनसुलझा ही है। पक्षियों की आत्महत्या। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य आसाम में जतिंगा नाम का एक छोटा सा गांव है, जो बर्ड मिस्ट्री के नाम के लिए प्रसिद्ध है, जहां पक्षी हर जगह से आत्महत्या करने के लिए आ जाते हैं। ये एक रहस्यमयी घटना है जिसकी वजह आज तक नहीं पता चली, और वहां सिर्फ प्रवासी पक्षी ही नहीं, वहां के स्थानीय पक्षी भी मर जाते हैं। ये घटना अजीब इसलिए है क्योंकि पक्षियों को आत्महत्या जैसी चीजों के लिए नहीं जाना जाता, और वो भी एक सामूहिक आत्महत्या। ये घटना हर साल सितंबर और नवंबर महीने के बीच में होती है, और ये घटना शाम के 7 से लेकर रात के 10 बजे के बीच होती है। ये घटना होते समय आसमान में कोहरा, बादल और धुंध होती है। कुछ स्थानीय लोग ये मानते हैं कि आसमान में उड़ने वाली बुरी आत्मा इन पक्षियों को मारती है। इस पर बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, पर ठोस वजह आज तक सामने नहीं आई, और ये घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कंकालों की झील। जरा सोचिए कि एक झील है जिसके अंदर सैकड़ों इंसानी कंकाल भरे पड़े हैं। हिमालय के बीच रूपकुंड नाम की यह झील सी लेवल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील में कंकाल के अवशेष पहली बार 1942 में देखे गए, जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने पानी में तैरते वक्त इस कंकालों को देखा। सबसे पहले यह माना गया कि ये युद्ध में मारे गए जापानी सैनिकों की कंकाल है, पर फिर 2004 में जब उनकी जांच की तो पता चला कि वो कंकाल लगभग 850 ईस्वी के है। मगर सवाल ये उठता है कि एक साथ इतने लोगों की मौत की वजह क्या रही होगी। कुछ लोगों का ये मानना है कि एक इंदावती नाम की देवी ने
अपने पर्वत और जंगल में नुकसान पहुंचाने से गुस्सा होकर उन लोगों पर ओलों की बारिश करकर उन्हें मार दिया। पर जो भी हो, वो लोग कौन थे और कैसे वहां मर गए, ये कोई नहीं जानता। और उनके कंकाल आज भी वैसे ही है, और ये मिस्ट्री अभी भी अनसुलझी ही है। शांति देवी का पुनर्जन्म। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 में दिल्ली के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। जब तक वो ठीक से बात नहीं कर पाती थी, तब तक सब नॉर्मल था। मगर जब वो 4-5 साल की हुई, तब वो अपने पति और बच्चे के बारे में पूछने लगी। शुरू शुरू में माँ बाप ने बच्ची समझकर उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर शांति देवी बार बार बताती रही कि उसकी शादी हो गई और उसका पति मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के सामने एक कपड़े की दुकान चलाता है और उनका एक लड़का भी है। शुरू में शांति देवी के माँ बाप ने उस पर ध्यान नहीं दिया, पर जब वो 6 साल की हुई, तब उसने अपने बच्चे के पैदा होने की बात बताई। वो सुनकर उसके माता पिता बहुत हैरान हो गए और शांति देवी तो मथुरा जाने की जिद करने लगी। उसने अपने स्कूल टीचर के पूछने पर अपने पति का नाम भी बताया। उसने पति का नाम केदारनाथ चौबे बताया और बाद में उस नाम और द्वारकाधीश मंदिर के सामने के पते पर खत भी लिखा गया। केदारनाथ के एक रिश्तेदार कांजीमल, जो कि दिल्ली में ही रहते थे, उन्होंने शांति देवी से मुलाकात की, जिसमें शांति ने मथुरा के बारे में एकदम सटीक बातें बताई, जो कि वही बता सकता है जो वहां रहकर आया है। उसने एक कुएं का भी जिक्र किया जो कि उनके घर में था। जब कांजीमल ने केदारनाथ को ये सब बातें बताई, तो उन्हें यकीन हो गया कि वो उनकी पत्नी लुगड़ीबाई ही है, जो 1902 में पैदा हुई और 10 साल की उम्र में उसकी शादी केदारनाथ से हुई। और तो और, केदारनाथ की 2 कपड़ों की दुकान भी थी, एक हरिद्वार में और एक द्वारकाधीश मंदिर के सामने। ये मामला उस वक्त गांधी जी के पास पहुंच गया और शांति देवी के लिए महात्मा गांधी के सहयोग से एक टीम बनाई गई और शांति देवी को मथुरा तक लेके गई। उस घर में कुआं तो नहीं था, मगर बाद में केदारनाथ ने बताया कि इस कुएं को ढक दिया गया है। वहां जाकर शांति देवी अपने पति और बच्चों से मिली, और तो और, शांति देवी अपने पिछले जन्म के माता पिता और सभी रिश्तेदारों से भी मिली। ये घटना भारत की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है और इस घटना से महात्मा गांधी भी आश्चर्यचकित हो गए थे। दोस्तों, हमारे भारत देश में बहुत से ऐसी घटनाएं और लोग हैं जिसके बारे में आधुनिक साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।